हेलो एंड वेलकम बैक। जनरल नॉलेज के वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। व्हाई डज द ग्लोबल फूड सिस्टम फेस सस्टेनेबिलिटी इश्यूज? ग्लोबल फूड सिस्टम सस्टेनेबिलिटी इश्यूज को क्यों फेस करता है? इट फेसेस सस्टेनेबिलिटी इश्यूज ड्यू टू द ग्रोइंग डिमांड ऑन लैंड एंड वाटर। सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि हम लोग प्रॉपरली तरह से रह पाए कि नहीं, मतलब अभी का जो प्रेजेंट जनरेशन है, जो कुछ भी रिसोर्सेज हम लोग यूज़ कर रहे हैं, क्या वो आने वाले समय में हमारे फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी अवेलेबल रहेगा? तो उस इश्यूज़ को हम लोग सस्टेनेबिलिटी इश्यूज़ बोल रहे हैं कि जो कुछ भी अभी कुदरत ने हमें दिया है उसको सिर्फ हम लोग ही यूज़ ना करें, रादर दैन कि हम लोग आने वाली पीढ़ी के लिए भी छोड़ करके रखें। तो उसमें सवाल ये है कि ग्लोबल फूड सिस्टम जो है उसमें सस्टेनेबिलिटी इश्यूज़ क्यों आ रही हैं? ऑब्वियसली आ रही हैं क्योंकि ज़्यादा पॉपुलेशन हो रहा है, तो लैंड का भी स्कार्सिटी हो जा रहा है, वाटर का भी स्कार्सिटी हो जा रहा है। तो ग्रोइंग डिमांड ऑन लैंड एंड वाटर के कारण से जो डिमांड बढ़ रहा है ना, उसके कारण से सस्टेनेबिलिटी इश्यूज़ आ रही हैं। डिफाइन कोऑपरेशन। कोऑपरेशन को डिफाइन कीजिए। कोऑपरेशन इज़ अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पीपल विथ सिमिलर इकोनॉमिक डिमांड्स कंबाइनिंग रिसोर्सेज फॉर म्यूचुअल गेन एंड डेमोक्रेटिकली मैनेज्ड एंटरप्राइज। जैसे हम लोग आपस में बोलते हैं ना कि हाँ इस चीज़ में कोऑपरेट करिए, इस चीज़ के बारे में कोऑपरेशन करिए, तो कोऑपरेट मतलब मिलजुल करके आपस में साझेदारी के साथ काम करिए। तो उसी तरह से टर्मिनोलॉजीज़ में अगर हम लोग देखें टेक्निकल वर्ल्ड में, तो कोऑपरेशन, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ भी इसलिए बनती हैं कि कोऑपरेशन का मतलब होता है कि वॉलंटरी एसोसिएशन, कुछ लोग आपस में आते हैं साथ जिनका कुछ एजेंडा कॉमन होता है, कुछ इकोनॉमिक डिमांड्स को लेकर के, जो कुछ भी रिसोर्सेज उनके पास में होता है उनको मिला करके, ताकि आपस में एक दूसरे को फ़ायदा मिले, तो उसको बोलते हैं कोऑपरेशन। सो कोऑपरेशन इज़ अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पीपल विथ सिमिलर इकोनॉमिक डिमांड्स कंबाइनिंग रिसोर्सेज फॉर म्यूचुअल गेन एंड डेमोक्रेटिकली मैनेज्ड एंटरप्राइज। विच इनिशिएटिव सपोर्टेड हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट्स? कौन कौन से इनिशिएटिव्स ने हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट्स को सपोर्ट किया? हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट्स हैव फ्लरिश्ड एंड सपोर्टेड बाय इनिशिएटिव्स लाइक एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स एंड ट्रेड एग्जीबिशंस। एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स एंड ट्रेड एग्जीबिशंस। तो कौन कौन से इनिशिएटिव्स ने हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट्स को सपोर्ट किया? एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स एंड ट्रेड एग्जीबिशंस। एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स एंड ट्रेड एग्जीबिशंस। तो जैसे देखते हैं ना, कुछ मेला लगता है कहीं पे भी, कोई शहर में हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम मेला लगा है, या किस चीज़ का कोई ट्रेड एग्जीबिशन लगा हुआ है, या कुछ एक्सपोर्ट प्रमोशन करने के लिए कुछ काउंसिल्स बनते हैं, तो वो बाहर भेजने के लिए प्रमोट करते रहती है कि यहाँ इंडिया का प्रोडक्ट्स है। तो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स को सपोर्ट कैसे किया जा सकता है? ट्रेड एग्जीबिशंस लगा करके और एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स के द्वारा। एग्रीकल्चर इज़ अ मेजर वाटर यूज़र with over 70% of the withdrawals for irrigation. This statement is true or false? Agriculture जो है वो major water user है। Agriculture में सबसे ज़्यादा पानी लगता है। 70% जो भी irrigation का होता है ना, पानी जो irrigation के लिए निकलता है उसमें से 70% agriculture में चला जाता है। क्या ये बात सही है? Yes, this statement is true. What are the constitutional provisions for cooperative societies? कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं हमारे भारत के संविधान में, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस बताइए जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए हैं। प्रोविजंस आर आर्टिकल 19(1)(c), आर्टिकल 19(1)(c) ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अफर्म्स द सिटीजन्स राइट टू एस्टैब्लिश कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। तो आर्टिकल 19(1)(c) के अकॉर्डिंग ये फ्रीडम दिया गया है, राइट है सिटीजन्स का कि वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ इस्टेब्लिश कर सकते हैं। दूसरा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी DPSP 43 का B अंडरस्कोर्स द एनकरेजमेंट ऑफ ऑटोनॉमस डेमोक्रेटिक एंड प्रोफेशनली मैनेज्ड कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। तो एक हो गया आर्टिकल 19(1)(c) और दूसरा हो गया DPSP 43 का B। और फिर पार्ट 9B ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आउटलाइंस द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस एंड डेमोक्रेटिक कोऑपरेशन ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। तो इसमें इतना लंबा चौड़ा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस की पॉइंट्स याद रखने हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस क्या क्या हैं? तीन। पहला है आर्टिकल 19(1)(c), DPSP 43B और फिर पार्ट 9B ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 19(1)(c), DPSP 43B और पार्ट 9B. What does the One District One Product program promote? ODOP, One District One Product. ये जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है ये सब कुछ वन 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 कर रही है. वन डिस्ट्रिक्ट वन नेशन फलाना, वन नेशन वन फलाना, वन नेशन वन डिस्ट्रिक्ट, वन नेशन वन, ये सब चीज़ में ही है. ठीक है, तो वन नेशन वन कास्ट कर दो ना, सबसे अच्छा ही प्रॉब्लम हो जाएगा. पूरा प्रॉब्लम का रिजोल्यूशन ही हो जाएगा वन नेशन वन कास्ट करने से. फिर ना तो कोई ब्राह्मण रहेगा, ना क्षत्रिय रहेगा, ना वैश्य रहेगा, शूद्र रहेगा, ना दलित रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा. सब एक साथ मिलजुल करके एक लेवल पर रहेंगे और भारत की तरक्की होगी. लेकिन ये नहीं करेंगे. क्यों? सब रीज़न सबको पता है. वट डज़ द वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट प्रोग्राम प्रोमोट? It promotes traditional industries, rural artisans and skills across the districts. It promotes traditional industries, rural artisans and skills across the districts. तो one district one product मतलब एक डिस्ट्रिक्ट से एक प्रोडक्ट बनाने का ये है कि वो उस डिस्ट्रिक्ट का क्या खासियत है ना, उसका ट्रेडिशनल वैल्यू जो है उसको बरकरार रखना, उसको प्रमोट करना, जो रूरल आर्टिजन्स हैं उनको तवज्जो देना और जो डिस्ट्रिक्ट्स का जो स्किल्स है उसको प्रमोट करना. रेनफेड फार्मिंग यील्ड्स 60% ऑफ द वर्ल्ड्स फूड ऑन 80% ऑफ द कल्टिवेटेड लैंड. देखो, कल्टिवेटेड लैंड है जहाँ पे खेती होती है, उसका 80% जो है, कल्टिवेटेड लैंड का 80% उसमें से रेनफेड फार्मिंग होती है. 60% उसका जो 80% जो लैंड है ना, जैसे मान लीजिए आपके पास एक कल्टिवेटेड लैंड है पूरे, और उस कल्टिवेटेड लैंड का 80% में से 60% जो है वो रेनफेड फार्मिंग मतलब खाना उसे उगाती है. तो क्या ये बात सही है? येस, दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू. डिस्क्राइब कोऑपरेटिव सोसाइटी. अब कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या चीज़ है? Cooperative society is an autonomous voluntary association of weaker section members meeting socio-economic and cultural needs through jointly owned and democratically controlled enterprises in line with the cooperative values. तो जो weaker sections हैं society के, तो weaker section के जो members हैं वो आपस में मिलकर के एक ऑटोनोमस वॉलंटरी एसोसिएशन बनाते हैं ताकि उनका सोशियो इकोनॉमिक और कल्चरल नीड्स पूरा हो सके, और जॉइंटली ओन्ड होते हैं और डेमोक्रेटिकली कंट्रोल्ड एंटरप्राइज होता है जो कोऑपरेटिव वैल्यूज़ के लाइन पे होता है. ठीक है. व्हाट डज वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट एम एट? ODOP aims to enhance the income, प्रिजर्व क्राफ्ट्स एंड कंट्रीब्यूट टू द रूरल डेवलपमेंट. तो जनरली इनका काम ही होता है ये ट्रेडिशनल, वो जो हम लोगों ने देखा ट्रेडिशनल वैल्यू वाला सेम चीज़ है, उसी में आप इनकम भी इन्हेंस करने का ये है. प्रिजर्व क्राफ्ट्स, क्राफ्ट्स को प्रिजर्व कर सकते हो और कंट्रीब्यूट कर सकते हो रूरल डेवलपमेंट पे. इरीगेटेड फार्मिंग प्रोड्यूसेस 40% ऑफ द ग्लोबल फूड ऑन 20% ऑफ द लैंड. क्या ये बात सही है? यस. तो पूरा जो लैंड है उस लैंड का 20% में से, 20% लैंड में से जो 40% जो ग्लोबल फूड प्रोड्यूस होता है ना वो इरिगेटेड फार्मिंग के द्वारा प्रोड्यूस होता है. और जो कल्टिवेटेड लैंड है उसका 80% में से 60% जो फूड होता है वो रेनफेड फार्मिंग के द्वारा प्रोड्यूस होता है. तो ये कुछ अच्छे फैक्ट्स हैं. व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ नेशनल कोऑपरेटिव डेटाबेस? नेशनल कोऑपरेटिव डेटाबेस का पर्पस क्या है? इट्स पर्पस, इट सर्व्स एज एन इंफॉर्मेशन बेस्ड डिसीजन सपोर्ट सिस्टम. तो ये एक इंफॉर्मेशन बेस्ड डिसीजन सपोर्ट सिस्टम की तरह करता है कि आपके पास अगर डेटाबेस है, आपके पास जानकारी है, तो उस बेसिस पे आप कुछ डिसीजंस ले सकते हो. इट एम्स टू एनहांस द ग्रास रूट लेवल रीच एंड कोऑर्डिनेशन इन द कोऑपरेटिव मूवमेंट, फॉस्टरिंग इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाइल स्ट्रीमलाइनिंग द ऑपरेशनल प्रोसेसेस. सो देखिए, हर चीज़ का डेटा अगर आपके पास रहता है ना तो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव रहती हैं. ग्रास रूट लेवल पे चीज़ों को बहुत इफेक्टिव वे में कर पाते हो. जैसे आपको पता है कि हाँ ये सारे डेटा हैं, इस ये सारे एरियाज़ हैं. डेटा के अकॉर्डिंग डेटा ये बताता है कि ये सारे एरियाज़ हैं, इस पे ज़्यादा काम हुआ है, इस पे कम काम हुआ है. तो अगर हमको डेटा से पता चल रहा है तो हम जहाँ पे काम कम हुआ है वहाँ पे ज़्यादा फोकस कर पाएंगे ना, और अच्छी तरह से हम उसको स्ट्रीमलाइन कर पाएंगे. वरना हम लोग स्कीम्स अगर डाल रहे हैं इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, लेकिन हमें उसके बारे में उसका कोई स्टैटिस्टिक्स नहीं पता है तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे और कैसे जहाँ तक उस ज़रूरत को पहुँचनी चाहिए वहाँ कैसे पहुँच सकती है. इसीलिए इट्स ऑलवेज नेसेसरी कि हर चीज़ का डेटा हो. इसीलिए ये जो जैसे कोई भी स्कीम्स हैं तो उस स्कीम्स को लॉन्च करने के लिए या फिर रिप्रेजेंटेशन है, तो रिजर्वेशन भी इट्स अ काइंड ऑफ मतलब क्या है, एक अफर्मेटिव एक्शन है। तो वहाँ से हम लोग को भी डेटा पता होना चाहिए कि कौन कास्ट के कितनी पॉपुलेशन है। अगर मान लो कम पॉपुलेशन है, उनका रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा है हर जगह, तो ऑब्वियसली बाकी सारे लोगों का हक मरा गया। तो इसीलिए क्या होगा कि आपको पता रखना पड़ेगा, इसीलिए कास्ट सेंसस का डिमांड उठता है पूरे कंट्री में कि हमें पता होना चाहिए कि कौन सी जाति के कितने सारे पॉपुलेशन हैं और किन पॉपुलेशन तक सुविधाएं पहुंची हैं और किन पॉपुलेशन सुविधाएं से वंचित हैं। तो जो वंचित रह गए उनको हम वो देंगे, ऐसा ना हो कि हमें डेटा ही पता नहीं और जो चीज़ जिसको नहीं देना चाहिए उनको ही सारी चीज़ें सुविधाएँ मिल रही हैं। सो दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो दैट इज़ वाई सेम रीज़न एप्लीकेबल होता है कहीं पे भी अगर पर्पस पूछा जाए कि डेटाबेस का क्या काम है, तो ऑब्वियसली ये कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखनी है। रूरल टूरिज्म सस्टेन्स ट्रेडिशनल क्राफ्ट सपोर्ट्स एग्रीकल्चर एंड एनकरेजेस एको फ्रेंडली एक्टिविटीज़। जो रूरल टूरिज़म है ना, मतलब गांव देहात घूमने वाला जो टूरिज़म है, बाकी से लेकर के बोलते हैं, वो बहुत अच्छा चीज़ होता है एक्चुअली। वो क्या करता है ना, ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स को मेंटेन रखता है, एग्रीकल्चर को भी सपोर्ट रखता है और इको फ्रेंडली एक्टिविटीज़ को इनकरेज करता है। तो ये बात एकदम सही है। इन इंडिया एग्रीकल्चर कंज्यूम्स 80 to 90% ऑफ द वाटर विथ हाफ बींग रेन फेड। भारत में जो एग्रीकल्चर है वो 80 से 90% वाटर खर्चा करता है, मतलब कंज्यूम करता है, और उसमें से जो आधा होता है ना वो रेन फेड होता है। तो दिस स्टेटमेंट इज़ ऑल्सो ट्रू। व्हेन वाज द मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन एस्टैब्लिश्ड? मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन कब एस्टैब्लिश हुआ? यह हाल में ही एस्टैब्लिश हुआ है 2021 में। द इंडियन गवर्नमेंट क्रिएटेड द मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन ऑन 6 जुलाई 2021 to advance the सहकार से समृद्धि prosperity through cooperation vision। सहकार से समृद्धि prosperity through cooperation vision। Why did the government identify 8 craft villages for linking textile with tourism? Why did government identify 8 craft villages for linking textile with tourism? To showcase heritage and tourism energy, to showcase heritage and tourism synergy। ठीक, क्योंकि heritage और synergy tourism दोनों को combine कर रहे हैं, दोनों की energy को mix करोगे तो क्या बन जाएगा, synergy। So synergy का मतलब होता है synchronized energy। देखिए energy आपके लिए ज़रूरी नहीं है, energy अगर आपका scattered है ना तो फ़र्क मतलब effective result नहीं आएगा, लेकिन अगर आपका energy synchronized है तो फिर वो बहुत ज़्यादा hit करता है। सो दैट इज़ वाई इट इज़ ऑलवेज प्रेफर्ड कि आप पढ़ाई करो तो सिनर्जेटिकली पढ़ाई करो, आप प्रेयर करो तो सिनर्जेटिकली प्रेयर करो, आप कुछ भी चीज़ मैनिफेस्ट करो तो सिनर्जेटिकली मैनिफेस्ट करो, आप लिखो तो सिनर्जेटिकली लिखो, बोलो तो सिनर्जेटिकली लिखो। जब ये एनर्जी और सिंक्रोनाइजेशन साथ साथ जब चलते हैं तो रिजल्ट उसका बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। सो व्हाई डिड द गवर्नमेंट आइडेंटिफाई द 8 क्राफ्ट विलेजेस फॉर लिंकिंग द टेक्सटाइल विद टूरिज्म? लिंकिंग कर रहे हैं हम लोग, तो ऑब्वियसली ये हेरिटेज और टूरिज्म का सिनर्जी को शोकेस करेगा। What is the significance of the Ministry of Cooperation? Ministry of Cooperation का क्या महत्व है? The Ministry of Cooperation marked a significant step in promoting the cooperatives as a people-centric movement that prioritizes individuals over capital with a focus on the grassroots development। तो देखो मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन का मकसद यही है कि लोगों को ये मजबूती प्रदान करे, पीपल सेंट्रिक मूवमेंट बने, ताकि ये इंडिविजुअल्स को प्रायोरिटीज़ दिया जाए, ना कि कैपिटल को। ठीक है, वरना अभी जो जनरली जो स्कीम्स होती हैं उस पर हम लोग ये देखते हैं कि ये स्कीम इफेक्टिव है, मतलब ये इसमें कॉस्ट इफेक्टिव है या नहीं है, स्कीम तो दे दिए, पैसा निकाल दिए, कैपिटल से मतलब इतना कैपिटल दे दो, लेकिन वो एक्चुअली लोगों तक पहुँच पा रही है या नहीं पहुँच पा रही है उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब हम मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन बना करके इस्टेब्लिश कर रहे हैं तो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बना रहे हैं, कोऑपरेटिव्स बना रहे हैं, तो जब कोऑपरेटिव्स बनेगी तो ऑब्वियसली वो पीपल सेंट्रिक होगी, पीपल सेंट्रिक होगी तो पता चलेगा कोई भी अगर फंड आ रहा है गवर्नमेंट से तो लोगों तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, कोई भी लोगों की भलाई के लिए पहुँच रहा है कि नहीं पहुँच रहा, ग्रास रूट डेवलपमेंट के लिए यूज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा। सो दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। वाई? बिकॉज द मेजर थिंग इज़ इट शुड बी पीपल सेंट्रिक। इरीगेशन कैन एनहांस एग्रीकल्चरल ईल्ड्स बाय 100 to 400%। क्या ये बात सही है? क्या इरीगेशन करने से एग्रीकल्चर का जो ईल्ड है, क्या ये हम 100% से 400% तक बढ़ा सकते हैं? बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। सो वेरी अच्छा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये कि इरीगेशन करने से एग्रीकल्चर का जो ईल्ड होता है वो 100 से 400% तक बढ़ जाता है। व्हाट डज द एकता मॉल एट स्टैचू ऑफ यूनिटी इन गुजरात सपोर्ट? देखिए, स्टैचू गुजरात में जाएंगे तो स्टैचू ऑफ यूनिटी है और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास में एक मॉल है जिसका नाम है एकता मॉल। तो एकता मॉल क्या सपोर्ट करता है, वो सपोर्ट करता है, इट सपोर्ट्स द लोकल आर्टिसंस फॉर शो केसिंग एंड सेलिंग द प्रोडक्ट्स। मतलब लोकल हैंडीक्राफ्ट्स की जो काम है ना, मतलब प्रोडक्ट्स हैं, उनको वो बढ़ावा देता है, उनको वो सपोर्ट करता है। देखो यहाँ पे मॉल का फोटो मैंने लगाया है, यूनिटी इन हैंडीक्राफ्ट्स डाइवर्सिटी। मतलब लोकल जो आर्टिसंस हैं, मतलब कुछ भी जो बनाते हैं हैंड से कुछ भी प्रोडक्ट, उसको जा करके वहाँ पर बेच सकते हैं, तो उनको वो शोकेस करने का मौका मिलता है, बेचने का मौका मिलता है। India's net irrigated agriculture covers 75,456,000 hectares. Is this statement true? इंडिया का जो नेट इरीगेटेड एग्रीकल्चर है ना, मतलब इरीगेशन से जो एग्रीकल्चर करने वाला जो एरिया है, उसका एरिया कितना है? 75,456 75,456 हेक्टेयर्स, 75,456,000 हेक्टेयर्स। सो इंडिया का जो नेट इरीगेटेड एग्रीकल्चर है वो कितना एरिया कवर करता है? 75,456,000 हेक्टेयर्स। क्या ये बात सही है? येस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। व्हाट इज़ द रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन? ऑलरेडी हम लोगों ने देखा, द मिनिस्ट्री प्रोवाइड्स अ डिस्टिंक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव, लीगल एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क to support and enhance the competitiveness of the cooperatives, addressing the need for structural changes in the current socio-economic लैंडस्केप। तो देखिए, कोऑपरेटिव सोसाइटी तो बना लिया हमने, लेकिन अगर उसको उसके ऊपर अगर कोई बॉडी नहीं रहेगी, उसको लीड करने वाली कोई बॉडी नहीं रहेगी, तो कैसे चल पाएगा? कुछ रूल्स और रेगुलेशंस कौन बनाएगा? तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी है, जो लीगल चीज़ें हैं, जो पॉलिसी फ्रेमवर्क है, ये सारी चीज़ें कौन बनाएगा? ये सब मिनिस्ट्री का काम होता है। ये मिनिस्ट्री सारा फ्रेमवर्क आउटलाइन रेडी करके देती हैं कि ये सारी चीज़ें ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। अब उस ग्राउंड्स पे सिस्टम आपका काम करेगा। सो दैट इज़ व्हाई इट इज़ इंपॉर्टेंट। सो द मिनिस्ट्री प्रोवाइड्स अ डिस्टिंक्ट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, लीगल एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क टू सपोर्ट एंड एनहांस द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ द कोऑपरेटिव्स, एड्रेसिंग द नीड फॉर स्ट्रक्चरल चेंजेस इन द करंट सोशियो इकोनॉमिक लैंडस्केप। जो प्रेजेंट का सोशियो इकोनॉमिक लैंडस्केप है, उसमें अगर कोई स्ट्रक्चरल नीड की ज़रूरत है तो ऑब्वियसली उसके लिए कौन करेगा? मिनिस्ट्री करेगी। मिनिस्ट्री एक बार ने रूल्स लागू कर दिया, गैजेट एक बार पास कर दिया मिनिस्ट्री ने, तो ऑब्वियसली जितने भी कोऑपरेटिव्स हैं सबको फॉलो करना पड़ेगा। मान लीजिए अगर मिनिस्ट्री नहीं है, कोऑपरेटिव्स अपने अपने मन से कर रहे हैं, तो कोई उसके कोई एक लीगल फ्रेमवर्क नहीं है, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव रूल नहीं है, तो ऑब्वियसली एक केओस बन जाएगा। सो दैट इज़ व्हाई द मिनिस्ट्री, रोल ऑफ मिनिस्ट्री कम्स इन टू प्ले। व्हाट डज एक भारत श्रेष्ठ भारत? देखिए, अब फिर से वही कहानी, वन नेशन वन एक भारत। ये तो एक भारत श्रेष्ठ भारत ये खाली नारा ही रहता रहेगा। इट प्रमोट्स इंटरकल्चरल एक्सचेंज बाय एक्सप्लोरिंग द रूरल इंडियाज डाइवर्स ट्रेडिशंस। इट प्रमोट्स इंटरकल्चरल एक्सचेंज बाय एक्सप्लोरिंग द रूरल इंडियाज डाइवर्स ट्रेडिशंस। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए, लेकिन अंदर की डाइवर्सिटी को नहीं मारना चाहिए। प्रोवाइडेड कि आप एक भारत श्रेष्ठ भारत बना रहे हो, लेकिन सब एक कलर से पेंट नहीं करना चाहिए, उसमें बहुत सारे मल्टीपल कलर्स हैं, तो उस कलर्स की भी खूबसूरती को बनाए रखना ज़रूरी है। तो ये जो इंटरकल्चरल एक्सचेंज है ना, वो रूरल इंडिया, मान लीजिए बिहार के गाँव का कुछ भी चीज़ है, ऑब्वियसली गुजरात के गाँव का तो अलग होगा ना। अब मान लीजिए हम बिहार के जैसा ही गुजरात को बनाना चाहें, तमिलनाडु जैसा ही हम कश्मीर को बनाना चाहें, तो ये तो जहालियत है। फिर कश्मीर की अपनी खूबसूरती है, केरला की अपनी खूबसूरती है, गुजरात की अपनी खूबसूरती है, बिहार की अपनी खूबसूरती है, सबकी अपनी अपनी अलग खूबसूरती है। तो एक गुलदस्ता है भारत देश हमारा, तो गुलदस्ता तभी अच्छा लगता है जो उसमें बहुत सारे बहुसंख्यक कलर्स होते हैं, उसमें मल्टीपल कलर्स होते हैं, तभी वो गुलदस्ता अच्छा लगता है, वरना एक कलर के गुलदस्ते अच्छे नहीं लगते। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत का मकसद है इंटर कल्चरल एक्सचेंज को प्रमोट करना, और कहाँ पे? इंडिया का जो गांव का जो ट्रेडिशन है ना, उसको प्रमोट करना। इंडिया हैज़ 18% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन बट ओनली 4% ऑफ द वाटर रिसोर्सेस। क्या ये बात सही है? पूरे दुनिया का जो पॉपुलेशन है उसका 18% इंडिया के पास है, लेकिन पूरे दुनिया का जो वाटर रिसोर्सेज है उसका 4% इंडिया के पास है। ये बिल्कुल सही बात है। सो पॉपुलेशन अगर पूरे दुनिया का देखें, उसमें से 18% पॉपुलेशन इंडिया का है, इंडिया कंट्रीब्यूट करता है 18% पॉपुलेशन, लेकिन पूरे दुनिया में जितना भी पानी है उसका सिर्फ पानी इंडिया के पास कितना है? 4%। देखो, लोग हैं 18%, पानी है 4%, तो ऑब्वियसली स्कार्सिटी तो होगी ना. व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ कोऑपरेशन? कोऑपरेशन का सिग्निफिकेंस क्या है? द टर्म कोऑपरेशन एम्फेसाइजेस ट्रस्ट विद इन अ टीम. कोऑपरेशन मतलब साझेदारी. तो साझेदारी कब हो सकती है? जब हम भरोसा रह सकते हैं, है ना, साथ में मिलके काम कर सकते हैं. कोलैबोरेटिव एफर्ट होता है. सो द कोलैबोरेटिव एसेंस ऑफ सह एंड कार्य, मीनिंग वर्किंग टुगेदर, साथ में मिल करके काम करना. सो द टर्म कोऑपरेशन एम्फेसाइजेस ट्रस्ट विद इन अ टीम and the collaborative essence of sah and karya, meaning working together. What does sustainable tourism practice? Sustainable tourism क्या practice करता है? It must benefit locals and preserve the environment for the goal to be achieved. ये sustainable tourism जो है, this sustainable tourism must benefit the locals and preserve the environment for the goal to be achieved. तो sustainable tourism, देखिए tourism है, कहीं पे भी अगर tourism हो रही है तो जहाँ पे टूरिज़्म हो रहा है तो ऑब्वियसली वहाँ के लोकल को बेनिफिट होगा ही. मान लीजिए आपने डिज्नीलैंड लगाया, सपोज़ मान लीजिए आपने कोई भी चीज़ पार्क वार्क लगा दिया किसी एक शहर में, नाम है मोलंदगी. तो मोलंदगी एक गांव है वेस्ट बंगाल में, दुर्गापुर में. तो मोलंदगी गांव में अगर आपने एक पार्क लगा दिया, तो जब पार्क लगाया है तो वहाँ पर तो लोग आएंगे. लोग आएंगे तो वहाँ की जो मतलब जो कुछ भी दुकानदारी वो सब लगा करके वहाँ के जो लोकल्स हैं वो अपना पैसा कमा सकते हैं. लोकल को बेनिफिट हो गया वो. साथ ही साथ जो एनवायरनमेंट है ना, उसको भी प्रोटेक्ट करने का भी एक क्या बोलते हैं ना, फ्रेमवर्क है कि हाँ आप हमारे पास आए, ऐसा नहीं कि गंदा करके चले गए. एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करना है, तो वो भी एक शिक्षा है. तो फॉर प्रिवेंटिंग द एनवायरनमेंट, प्रिजर्विंग द एनवायरनमेंट फॉर द गोल टू बी अचीव. व्हेन वाज प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना लॉन्च्ड? जो PMKSY है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, कब लॉन्च हुआ था? ये 2015 में लॉन्च हुआ था और 93,068 करोड़ का बजट था. तो बजट उतना इम्पोर्टेंट नहीं है कितना प्राइस, बट मान लो इतना, ऑब्वियसली इतना हज़ार करोड़ ही होंगे, कुछ हज़ार करोड़ ही होंगे. सो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कब लॉन्च हुआ था? 2015 में लॉन्च हुआ था और अराउंड 93,000 करोड़ का बजट उसके लिए प्रावधान था. व्हाट आर द अचीवमेंट्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन के कुछ अचीवमेंट्स बताइए. अचीवमेंट्स है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन हैज सक्सेसफुली सिक्योर्ड अप्रूवल फॉर वेरियस पॉलिसीज सच एज इंटीग्रेटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज इनटू द जेम प्लेटफॉर्म, कंप्यूटराइजिंग प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज, कंप्यूटराइजिंग प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज एंड स्ट्रेंथनिंग द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज टू बूस्ट द कोऑपरेटिव डेवलपमेंट. तो अभी के मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन के अभी के अचीवमेंट्स कुछ इस प्रकार हैं कि पहला, इन्होंने कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को GEM प्लेटफॉर्म से मर्ज किया है. दूसरा PACS है, विच इज़ जो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सिस्टम है, उनको इनको कंप्यूटराइज किया है. और तीसरा कि जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं ना, उनको स्ट्रेंथन किया है ताकि कोऑपरेटिव डेवलपमेंट बूस्ट हो सके. So what are the achievements of Ministry of Cooperation? Ministry of Cooperation has successfully secured approval for various policies such as integrating the cooperative societies into the JAM platform, computerizing the primary agriculture credit societies (PACS), and strengthening multi-state cooperative societies to boost the cooperative development. What is per capita availability in water in India? What is the per capita water availability in India? पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी इन इंडिया, वाटर कितना है पर कैपिटा इंडिया में? इट इज़ लेस देन 1000 क्यूबिक मीटर, मेकिंग इट वाटर स्ट्रेस्ड. तो यहाँ पे आपको डेटा दिख रहा है कि 54% ऑफ भारत है ना, वहाँ पे एक्सट्रीमली क्या बोलते हैं ना, वाटर स्ट्रेस है. जहाँ पे आपको एकदम लाल 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 टाइप का दिख रहा है, उस एरिया में पानी की बहुत ही ज़्यादा कमी होना अभी से ही शुरू हो गई है. तो मान करके चलिए आने वाले समय में तो क्राइसिस और बढ़ेगी, है ना, क्योंकि वाटर तो लिमिटेड है हमारे पास. तो वाटर पर कैपिटा अवेलेबिलिटी कितनी है भारत में? इट इज़ लेस देन 1000 क्यूबिक मीटर्स, लेस देन 1000 क्यूबिक मीटर, 1000 क्यूबिक मीटर से कम है ये वाटर पर कैपिटा. व्हाट इज़ G20's रोल इन रूरल क्राफ्ट्स? रूरल क्राफ्ट्स में G20 का क्या रोल है? It aims to reduce the trade barriers, provide financial assistance, invest in skill development and protect the intellectual property. तो trade barriers को कम करना, financial assistance provide करना, स्किल डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करना और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना. सो व्हाट इज़ G20's रोल इन रूरल क्राफ्ट्स. G20 का रूरल क्राफ्ट्स में क्या रोल है, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना, फिर ट्रेड बैरियर्स को रिड्यूस करना, फिनेंशियल असिस्टेंस को प्रोवाइड करना और स्किल डेवलपमेंट को इन्वेस्ट करना, स्किल डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करना. इंडियाज़ वाटर कंजर्वेशन एफर्ट्स इंक्लूड सही फसल कैंपेन एंड रिवर डेवलपमेंट. सही फसल कैंपेन एंड रिवर डेवलपमेंट, इंडिया का जो वाटर कंजर्वेशन एफर्ट्स है ना, पानी बचाने का जो वाटर कंजर्वेशन का एफर्ट है, उसमें सही फसल कैंपेन भी आता है एंड रिवर डेवलपमेंट भी आता है. क्या ये बात सही है? येस, दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू. व्हाट इज़ द रोल ऑफ कोऑपरेटिव्स एंड रूरल डेवलपमेंट. कोऑपरेटिव्स का क्या काम है, क्या रोल है रूरल डेवलपमेंट में. कोऑपरेटिव्स हैव हिस्टोरिकली प्लेड अ वाइटल रोल इन शेपिंग एन इकोनॉमिक मॉडल फॉर द रूरल डेवलपमेंट. रूरल डेवलपमेंट के लिए एक इकोनॉमिक मॉडल को डेवलप करना, कोऑपरेटिव्स ये बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया है हिस्टोरिकली अगर हम लोग देखें तो. एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशंस एस्टैब्लिशमेंट इज एक्सपेक्टेड to enhance the transparency and extend the cooperative reach to the grassroots levels nationwide. So cooperatives का काम ही है obviously कि ये मतलब कोई भी चीज़ को ना grassroots level तक पहुँचाने का और साथ ही साथ transparency maintain करने का और एक economic model develop करने का for the rural development. ठीक है, historically ये पाया गया है. So these are the roles of cooperatives in rural development. मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय.